नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज में। दर्शकों, इन दिनों जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर देश भर में एक डर का माहौल बनता जा रहा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर राज्य में आने वाले पर्यटकों के दिल में एक भय का माहौल है। चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर कुछ समय पहले जहाँ भारी संख्या में टूरिस्ट आया करते थे, अब उनकी संख्या कहीं ना कहीं घटती जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में आने से पहले लोग घबरा जाते हैं ये सोचकर कि J&K एक डिस्टर्ब स्टेट है और वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, जबकि ऐसा सही मायने में कुछ भी नहीं है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ आने वाले हर एक शख्स की पुरजोर सहायता करता है और हर तरह से उनकी रक्षा करने के लिए सक्षम है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं SSP ले से और जानते हैं उनसे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। आइए बात करते हैं SSP लद्दाख सरगुन शुक्ला जी से। मैम, यहाँ पर टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं J&K में, स्पेशली हम बात करें तो उनको लगता है कि कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, जबकि लोग उसके साथ में जम्मू और लद्दाख को भी काउंट कर रहे हैं, तो एक डर का माहौल बनता जा रहा है J&K में आने वाले टूरिस्ट को, तो क्या कहेंगे इस पर आप? See, all I can say is that from Jammu Kashmir Police, we are committed, we are endeavored and we are focused on ensuring safety for everybody who is coming to our state. And that is a very, very firm endeavor of ours. हम दूसरी तरफ देखा जा रहा है, दलाई लामा जी लद्दाख में अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो यहाँ पर भारी संख्या में उनके फॉलोअर्स आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपकी तरफ से किए गए? उनकी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल उनकी कैटेगराइजेशन के हिसाब से, उनके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से और जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हुए हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एवरीथिंग विल गो अ वेरी फाइन, गॉड विलिंग। कश्मीर जो है लद्दाख के साथ सटा हुआ है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो यहाँ पर लोग एक मिथ बन गया हुआ है, लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि अगर कश्मीर डिस्टर्ब है तो लद्दाख भी किसी हद तक डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को यहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अगर आप श्रीनगर भी जाएंगी, आप गांधरबल भी जाएंगी और आप लेह में भी घूमेंगी, आई थिंक हमें कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द टूरिज्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग ओवर हियर, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एंजॉयिंग द नेचर, द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैम, यहाँ पर देखा गया है कि स्पेशली लद्दाख की अगर हम बात करें, टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ समय से, तो यहाँ आने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है फर्स्ट, जो नए पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, वो किस तरह के यहाँ पर आने से पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए? हम पुलिस की तरफ से उनको सिर्फ दो चीज़ें बोलते हैं। एक, जो आपकी सेहत है आप उसके साथ खिलवाड़ ना करें, नेचर हैज़ इट्स वे ऑफ कैचिंग अप विद यू। तो हाई ऑल्टीट्यूड है, हम लोग नॉर्मली हर कोई जो आ रहा है वो 3,000 से 4,000 feet की ऊंचाई से ही आता है, दिस इज क्लोज टू अबाउट 12,000 feet। सो जो यहाँ के ड्रिल्स बने हुए हैं कि आप एक्लिमेटाइजेशन करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, हमारे जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है दैट इज़ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। दिस इज़ नॉट लाइक ड्राइविंग इन दिल्ली, चंडीगढ़ और एनी अदर प्लेस। आपको यहाँ आके इन सड़कों के हिसाब से ही गाड़ी चलानी चाहिए एंड इट्स वेरी सैड व्हेन पीपल कम हियर एंड लूज देयर लाइव्स ओनली बिकॉज दे वर वेरी रैश और दे वर नॉट ड्राइविंग एज पर द रूल्स। So please follow all traffic rules when you come over here and please take care of your health. That's all I can say. Yeah. And last में मैम, एक चलते हुए सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों के लिए आप क्या मैसेज हैं जो देना चाहेंगे ताकि वो बिना किसी डर के J&K में आ सके? Oh, they're always welcome and we are there for everybody. Thank you so much, ma'am. तो ये थे हमारे साथ SSP सरगुन शुक्ला जी, जिन्होंने यहाँ आने वाले हर उस शख्स के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के J&K में आए, खुलकर घूमे, यहाँ की वादियों का लुत्फ ले और यहाँ का एक हिस्सा बने। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़ लद्दाख।